2019 से पहले राहुल मोदी की शिव भक्ति, जनेऊधारी राहुल की मानसरोवर यात्रा, मोदी की पिच पर राहुल की बैटिंग, भोलेनाथ किसका करेंगे बेड़ा पार। कहा जाता है कि अगर कोई शिव की भक्ति करता है तो वो उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं, लेकिन 2019 चुनाव से पहले भारतीय राजनीति में शिव भक्ति की अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ मोदी की शिव भक्ति है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। अब सवाल यह कि 2019 में दोनों में किस पर शिव की कृपा बरसे। हिंदुत्व कार्ड पर टिके रहने की वजह से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, ये तस्वीर काशी की थी। लेकिन पीएम मोदी शिव मंदिरों में तो जाते ही रहते हैं, चाहे वो नेपाल का पशुपतिनाथ हो, गुजरात का सोमनाथ हो या फिर उनकी काशी। लेकिन भारतीय राजनीति में अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे दुर्गम समझी जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले हैं। हालांकि इस यात्रा के बारे में राहुल पहले ही बता चुके हैं। दो तीन दिन पहले हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज में थे और हवाई जहाज यूं नीचे की ओर गया, 8000 फुट नीचे गिरा। मैं हवाई जहाज में बैठा था तो मैंने सोचा चलो गाड़ी गई। फिर जैसे मैंने सोचा गाड़ी गई, मेरे दिमाग में आया कैलाश जाना है कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है। भगवान शंकर के अनन्य भक्त श्री राहुल गांधी और भगवान शंकर के बीच पौराणिक प्रथाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाधा डालने का एक कुत्सित प्रयास कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद भाजपा के लोग जानते नहीं कि भोले शंकर और उनके भक्तों के बीच जो बाधा डालता है वो पाप और श्राप दोनों का भागीदार बन जाता है। हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि राहुल जी आप चाइना में किनसे मिलेंगे और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत गूढ़ सवाल है, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी देगी ये हम आशा करते हैं। कौन से राहुल गांधी जा रहे हैं, सॉफ्ट हिंदू वाले राहुल गांधी जा रहे हैं या कट्टरपंथी मुस्लिम वाले राहुल जा रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं कि ईसाई जा रहे हैं, ये राहुल जी को बताना चाहिए। गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी भी शिव मंदिरों के चक्कर लगाते नजर आए थे। तब चुनावों के दौरान राहुल गांधी का जनेऊधारी शिव भक्त होने का राज भी सामने आया था। अब एक तरफ राहुल की कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो पीएम की भी शिव भक्ति। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही है, मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊधारी हिंदू हैं। अब सवाल है कि भोलेनाथ 2019 में दोनों शिव भक्तों में से किस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर निकल पड़ी है, क्या कांग्रेस ने बीजेपी के परंपरागत वोट बेस पर सेंध लगाने की तैयारी कर ली है और क्या राहुल गांधी मोदी की पिच पर बैटिंग करके उन्हें मात दे सकते हैं। सवाल ये भी है कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी मोदी के सामने राहुल कितनी देर टिकेंगे। 2014 एक के बदले 10 सर, 2018 450 के बदले 50,000 रोजगार। जी हां, भारतीय राजनीति पाकिस्तान से शिफ्ट होकर चीन में पहुंच गई है। पशुपतिनाथ की मंदिर के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और मानसरोवर की यात्रा पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। दोनों शिव की नगरी जा रहे हैं, शिव के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां सियासत कर रही है। बस फर्क यह है कि 14 में पाकिस्तान था और 18 में चीन हो गया है। अपने सहयोगी संतोष पाठक के साथ राहुल डवास, समाचार प्लस के लिए।
सवाल यह है कि भगवान शिव किस पर कृपा बरसाएंगे और बीजेपी राहुल गांधी की मानसरोवर यात्रा को चीन यात्रा बताने पर तुली है। सवाल यह भी है कि आखिर 2019 से पहले, चाहे वो गुजरात चुनाव से पहले राहुल गांधी के मंदिरों में लगातार जाना हो और अब एक बार फिर जो शिव भक्ति की तस्वीर देखी है उसके मायने क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में थे, पशुपतिनाथ मंदिर में आराधना की, तो फिर राहुल गांधी मानसरोवर यात्रा के लिए निकल गए। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है राकेश जी। मुकेश सिंह चौहान साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य उमाशंकर मिश्र जी हैं हमारे साथ, हिंदू धर्म गुरु, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। मेरा राकेश जी आपसे सवाल है, कांग्रेस कह रही है कि अनन्य भक्त हैं शिव के राहुल गांधी, और भोलेनाथ और भक्तों के बीच में जो आता है या जो बाधा डालता है वो पाप और श्राप का भागीदार होता है। देखिए, कांग्रेस को आज ये बात कहने से पहले कुछ पुरानी बातें याद दिलाऊंगा। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी के पुरखे, उन्होंने कहा कि आई एम हिंदू बाय एन एक्सीडेंट, मैं हिंदू दुर्भाग्य से हूं, एक दुर्घटना के कारण हूं, हिंदू में जन्म लिया है, यानी हिंदू होना उनके लिए दुर्भाग्य का विषय था। राहुल गांधी जी जब सोमनाथ के दर्शन करने गए तो रजिस्टर में दर्शन करने के लिए जो गैर हिंदू का कॉलम था वहां पर उनके द्वारा दस्तखत कराए गए, इस बात को स्वीकार करने में हिचक थी उन्हें, इस बात को कि हम हिंदू हैं। सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी जी की इस बात की स्वीकारोक्ति कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये सारी ऐसी बातें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि इस देश में बहुसंख्यकों की उपेक्षा और अपमान करना कांग्रेस का बेसिक नेचर है, मूल चरित्र में है। लेकिन जब लगातार कांग्रेस डिक्लाइन जा रही है, पतन की ओर जा रही है, तब इन्हें आज भोले भंडारी की याद आ रही है। गुजरात के चुनाव में मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे भटक रहे थे, लेकिन जब कर्नाटक का चुनाव हुआ तो इन्हें फिर अपना वोट बैंक का मुस्लिम तुष्टिकरण याद आ गया और ये फिर तुष्टिकरण करने लगे। अब ये कांग्रेस के लिए समस्या है। राहुल गांधी जी समझ नहीं पाते कि कब वो अपने आप को हिंदू घोषित करें, कब वो अपने आप को गैर हिंदू बतावें। इस चक्कर में कभी वो अपने आप को जनेऊधारी बता देते हैं और जनेऊधारी भी ऐसे जो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हो। भारत के अकेले हिंदू हैं जिन्होंने कोट के ऊपर जनेऊ पहना हो, वरना सारे लोग वस्त्र के अंदर जनेऊ पहनते हैं। लेकिन खैर, राहुल जी तो राहुल जी ठहरे, राजनीति क्या क्या ना करवाए, जाति बदलनी पड़ती है, धर्म तो बदलना पड़ता है। बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? नहीं, बीजेपी इतनी परेशान फिर क्यों है? नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं है। देखिए, अगर धर्म को लेकर के जब कोई उपेक्षा का भाव रखता है, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करने का काम करते हैं, उसमें डीजे बजाने से रोक लगाने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर हर हिंदू जनमानस को पीड़ा होती है। जब नवरात्रियों में ममता बनर्जी जी वहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए रोक लगाने का काम करती है, और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जब रोक लगती है, हाईकोर्ट जाना पड़ता है हिंदू जनमानस को, तब कष्ट होता है। जब इस देश के बहुसंख्यक समाज को अलग अलग स्थानों पर अपने मत को मानने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदू जनमानस को, बहुसंख्यक समाज को कष्ट होता है। लेकिन आज ये देश में सुखद परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ है कि आज यही तो परिवर्तन आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैं मुकेश जी से पूछता हूं। हम तो ये सुखद अच्छे दिन बता रहे हैं, यही अच्छे दिन है कि आज राहुल गांधी जी मुस्लिम तुष्टिकरण छोड़ करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा में अपने लिए भक्तिभाव ढूंढ रहे हैं। लेकिन भोले भंडारी भक्तिभाव के भूखे हैं, वो पहचान जाते हैं कि कौन उनके साथ भावना से आया है और कौन उनके साथ लालच के साथ आया है कुछ पाने के लिए। मैं ये सवाल लेता हूं मुकेश जी, 25 साल तक कोई भी गांधी परिवार का सदस्य अयोध्या नहीं गया था, और जब अयोध्या राहुल गांधी पहुंचे थे तो वहां के एक संत ने कहा था कि अवधपुरी में राम रहे रघुकुल अवध नरेश, जय पर विपदा पड़त है सो आवत ई देश। क्या 2019 से पहले यही स्थिति है राहुल गांधी के सामने? देखिए, भाजपा का विचलित होना बहुत लाजमी है क्योंकि ये धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। राहुल गांधी जी आज नहीं बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने गए, पैदल यात्रा उन्होंने की, उससे पहले उसके बाद उन्होंने सोमनाथ में दर्शन किए, और जैसे
अभी भाजपा के हमारे मित्र कह रहे थे कि उन्होंने रजिस्टर में, जबकि ये बाकायदा क्लियर हो गया फोटो साफ के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कृत्य कराए उस रजिस्टर के अंदर, लेकिन जो सामने मीडिया के लाया गया वो फोटो साफ के जरिए लाया गया। और राहुल गांधी जी शिव भक्त हैं और उनकी यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी विचलित है, जबकि उन्होंने अप्रैल में कह दिया था, आज डीजीसीए की रिपोर्ट आ गई कि अगर विमान में जो गड़बड़ी हुई, और जाहिर सी बात है नहीं, तो एक सवाल, गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं हमारे सरकार में मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, वो कह रहे हैं कि कौन से राहुल गांधी जा रहे हैं, हिंदू राहुल गांधी जा रहे हैं या मुस्लिम राहुल गांधी या पारसी, ये पूछ रहे हैं वो। देखिए मैं आपको पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे आपको बताऊं कि जब कोई विपत्ति में आता है तो भगवान का नाम अवश्य लेता है, और भगवान ना करता कोई दुर्घटना हो जाती, आज डीजीसीए ने कहा भी अगर 20 सेकंड में अगर रह जाता तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, लेकिन जब आदमी विपत्ति में होता तो भगवान को याद करता है, और जब भगवान को याद करता है अगर वो उसकी मनोकामना पूरी होती है तो यात्रा पे अवश्य जाता है। ये सनातन धर्म में मानने नहीं, वाले तो लोग फिर कहते हो, जैसे आपने गिरिराज जी की बात कही, गिरिराज जी क्या बात करेंगे जो मॉब लिंचिंग के मतलब हत्यारों को आप जिस आप, तरह से वो मैं आता हूं सर, एक मिनट, और भी मेहमान है मुकेश जी, छोटा सा सवाल दे दीजिए, छोटा एक तरह से लगता है वो कैबिनेट मिनिस्टर है और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि मॉब लिंचिंग वालों को कोई बख्शा नहीं जाएगा, ये गुंडे हैं। मुकेश जी मेरा एक सवाल सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है अपने कैबिनेट के लोग, ठीक है ठीक, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा अभी। मेरा सवाल है मुकेश जी, जब कोई विपत्ति में आता है तो भगवान को याद करता है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन जब वो ये कहे कि राम तो काल्पनिक नाम है, आपकी पार्टी से ही ये चीजें आए, फिर क्या इसका मतलब है? जिसे आप काल्पनिक नाम कहें भगवान को, विपत्ति में आप उसे याद करें? देखिए हम आपको बता दें कि भगवान को चाहे हम हो चाहे कोई हो, सनातन धर्म के आप जवाब नहीं, आपके पास आचार्य उमाशंकर मिश्र जी जवाब नहीं मेरे सवाल का। आचार्य जी क्या आपको लगता है ये 2019 से पहले की कोशिश है कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व दिखने की? नहीं नहीं, देखिए आज सर मैं आपसे सवाल लूंगा आखिर के, आचार्य जी जुड़े उनसे ले रहा हूं। आचार्य जी बोलिए। अच्छा अच्छा, हकीकत में कहा जाए तो 2019 की बात तो है ही है, मुख्यतः प्रधानता तो यही कही जाएगी कि इलेक्शन से संबंधित है, लेकिन एक देश में बहुत बड़ा एक परिवर्तन दिखाई दे रहा आने वाले वक्त में। कहूंगा महादेव कृपा, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, सबके सब महादेव के शरण में जाते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉनवेज वाला हो, सबके सब महादेव के शरण में जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है कि महादेव मानसरोवर के यहां जाना, मानसरोवर में जाना, मानसरोवर का दर्शन करना, मानसरोवर के भूमि पर पदार्पण भी करना, कई जन्मों का जब पूर्ण होता तभी व्यक्ति जा पाता है। ये मैं कहूंगा देश की बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी तो जाते ही जाते हैं, लेकिन विपक्ष के मजबूत पर्सनालिटी गई वहां से। मैं कहूंगा आने वाले वक्त में यह शुभ लक्षण है कि देश में दो ही पार्टी आने वाले वक्त में रहेंगी, बीजेपी और कांग्रेस, ये शुभ लक्षण हम तो कहेंगे। बल्कि राहुल गांधी चाहे जिस मन से गए हो, जिस पर्पज से गए हो, जिस प्रयोजन से गए हो, लेकिन मानसरोवर गए हुए हैं, इसे मैं कहूंगा भाई ये तो बड़ी सराहनीय बात है, ये जानी चाहिए। प्रमोद गोस्वामी जी आप क्या देख पा रहे हैं, राहुल गांधी का मानसरोवर जाना, और गुजरात में भी यही सूरत आपने देखी थी पहले? देखिए अगर आप इसको पिछले स्वतंत्रता के बाद जी अगर आप देखें तो मंदिर जाने की जो एक इस वर्ष या इससे एक साल भर पहले गुजरात से जो शुरुआत हुई है वो एक, ये जो आचार्य जी ने कहा कि एक शुभ लक्षण तो है ही कि अभी तक हम जो पिछले 30-40 वर्षों से देख रहे थे कि जिस ढंग से तुष्टीकरण की राजनीति को प्रश्रय मिलता रहा, एक उपलब्धि तो नरेंद्र मोदी को या उसके भारतीय जनता पार्टी को श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होंने अपने हिंदुत्व कार्ड से कम तुष्टीकरण के कार्ड को छोटा कर दिया है, खत्म न कर दिया हो, लेकिन उसके ऊपर ला के ये तो रखी दिया है कि तुष्टीकरण से बेहतर है कि अब कम से कम तुष्टीकरण न किया जाए, जनमानस की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। तो ये जो मंदिर और का जो दौरे हो रहे हैं इसको ये बात सच है कि 19 के चुनाव के परिदृश्य में ही हो रहे हैं। दूसरी आप ये देखिए,
ये भी शायद पहली बार है कि सारे खाली राहुल जी मानसरोवर नहीं जा रहे हैं। अगर आप देखें तो सारे दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आप देखिए ये हिंदुत्व का कार्ड का ही महत्व है कि अब इटावा में अखिलेश यादव जी ने विष्णु मंदिर बनाने की घोषणा की। ये अपने आप में कम से कम ट्रैक से थोड़ा सा उस पर आने की एक बात हुई है, जो एक ठीक है राजनीतिक दृष्टि और देश के हिस्से के कम से कम सभी लोग हैं और सब लोगों का ध्यान है। और इससे पहले ऐसा नहीं है, जब ये तुष्टिकरण का राजीव या समाजवादी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा कि वो हज के लिए, तो उन्होंने वृद्धों को, वरिष्ठों को धार्मिक यात्राओं पर भी भेजने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, योगी जी भी अब देखिए आज, मतलब ये भी एक संयोग है कि योगी जी आज मथुरा में हैं, मोदी जी आज पशुपतनाथ नेपाल के दर्शन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रमोद जी सवाल ये है, ये तो अच्छी बात है, आप खुद कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति से कम दूर हो रही पार्टियां। मेरा सवाल यह है कि आज हमने देखा बीजेपी के हर बड़े नेता ने अपनी बात रखी राहुल गांधी के मानसरोवर जाने पर। क्या डर है बीजेपी को, क्योंकि ये पूरी यात्रा को चीन यात्रा बताने में भी बीजेपी तुली है, इसका मकसद क्या है, क्या डर गई है बीजेपी? नहीं, ये स्वाभाविक है। देखिए अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड था हिंदुत्व का, वो उस पर अब चूंकि वो सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का काउंटर कर रही है कि हिंदुत्व का ठेका तुम्हारा नहीं, हमारे पास भी है, ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व के ठेकेदार हम भी हैं, या हिंदुत्व के हितैषी हम भी हैं, या हिंदुत्व हम में भी है। ये जो एक पहले इस देश में, मैं इसलिए ये बात मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जो देश की राजनीति का स्वरूप दो खेमों में बढ़ता जा रहा था, एक तुष्टिकरण की राजनीति, अगर आप देखें पिछले 30 वर्षों से, तो मैं 35 वर्षों से देख रहा हूं जो तुष्टिकरण की राजनीति, जो अभी राकेश जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपदा पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो ये सवाल और पहला और दूसरे का क्या प्रश्न है, तो कम से कम इस राजनीति की दिशा को तो मोड़ने का काम किया ही है। राकेश जी हैं, राकेश जी जब ये बदलाव हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें फिर दिक्कत वाली तो कोई बात है नहीं। नहीं, मन साफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर केवल राजनीतिक कारणों से अगर ये कोशिश करेंगे तो भोले भंडारी इन पर कतई प्रसन्न होने वाले नहीं है। मन अच्छा होगा तो बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रसाद भी मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन मन अच्छा नहीं हो केवल राजनीतिक कारणों से अगर हम अपनी छवि ठीक करने का प्रयास कर रहे हो तो निश्चित तौर पर इसका कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। जिस अरे कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी अनन्य भक्त हैं, भाई मन अच्छा तो होगा ही। नहीं नहीं, देखिए ये मन अच्छा तब तक है जब तक सत्ता प्राप्त नहीं हो रही है। सत्ता प्राप्त जान लेते हैं, सत्ता प्राप्त होते ही अपने वाले मन की बात जान लेते हैं और प्रधानमंत्री जैसे मन की बात जान लेते हैं। कई उदाहरण है, देखिए राम सेतु को तोड़े जाने समय पर जो इन्होंने जो हलफनामा दिया हो वो एक मसला रहा हो, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा कि राम काल्पनिक हैं, राम तो का एग्जिस्ट नहीं करते थे, या एनसीआरटी की पुस्तकों में तमाम वामपंथी लेखकों के द्वारा राम और कृष्ण काल्पनिक हैं ऐसी बातें लिखवाने का मसला रहा हो, तमाम ऐसे मसले रहे हैं जब राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को, विष्णु के अस्तित्व को, शंकर के अस्तित्व को इन्होंने नकारने का काम किया है। और आज अगर केवल इस नाते जो बात अभी मुकेश जी कह रहे थे कि जब भी व्यक्ति संकट में होता है तो भगवान को याद करता है, और ये जाहिर सी बात है कि आज कांग्रेस के लिए संकट का समय है। कांग्रेस कांग्रेस आज कांग्रेस के लिए संकट का समय नहीं है, पार्टी ये मानव प्रवृत्ति है, सनातन धर्म के लोग ये मानते हैं, हम आजादी के जब कोई जीवन पे संकट आता है, जब जीवन पे संकट आता है तब आज पूरे देश में चली गई, ईश्वर को याद करता है। नहीं नहीं, मैंने जो सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों उत्तर प्रदेश से सांसद और दो ही सांसद इस समय उत्तर प्रदेश से हैं, और यही बची है आज हाजियत कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये 10 विधायक नहीं जीता सकते, 5 सांसद नहीं जीता सकते, ऐसी स्थिति जब आ गई है, ऐसे दुर्दिन आ गए हैं,
तो अब भोले का ख्याल ना आए तो भोले का ख्याल कब आएगा? और अच्छा है कि भोले का ख्याल आया है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मन ठीक करके जाएंगे, आचरण की शुद्धता के साथ जाएंगे, मन पवित्र रखकर जाएंगे तो निश्चित तौर पर भोले भंडारी कल्याण करेंगे, वो कल्याण के देवता है, वरना विनाश के देवता भी वही है। और अगर भोले भंडारी को कहीं क्रोध आ गया तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को और उठाना पड़ेगा। चौहान जी सुन रहे हैं ना, राकेश त्रिपाठी जी की बात कह रहे हैं कि क्रोध आएगा तो और भी चीजें बिगड़ जाएंगी, तो मन शुद्ध करके जाएं। चक्कर है ना, ऐसा है कि हमारे जो मित्र हैं बीजेपी के, चक्कर विचलित है, पूरी भारतीय जनता पार्टी विचलित है। जब से राहुल गांधी जी यात्रा पे गए हैं, आज सुबह से मैं देख रहा हूं कोई ना कोई नेता नहीं, मैं उसका कारण है जो राकेश जी कह रहे हैं कि भाई जब आप भगवान राम को काल्पनिक समझते हैं, भगवान को काल्पनिक समझते हैं, फिर आप कहें कि अनन्य भक्त हैं, देखिए तो अंतर है ना। फिर देखिए ये केवल गुमराह करना चाहते हैं जनता को, ये गुमराह करके यहाँ तक पहुंचे। चाइना का राजदूत इनको छोड़ दे जाए, इनको लेने जाए, चाइना में बिना एजेंडा के चीन की यात्रा करते हैं, बिना एजेंडा के पर्यटन की तरह जाते हैं, वहां झूला झुलाते हैं जाके चीन के निकल करते आएंगे सामने। ये है इनका, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री और उत्तर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आप ये समझिए बिना एजेंडा के चीन की यात्रा करने जाते हैं। चौहान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इनका काम है केवल काल्पनिक समझते हैं, आपने हलफनामा दिया था काल्पनिक बताया था। मैंने बता दिया हम ईश्वर में आस्था रखते हैं और काल्पनिक नाम बता दें, काल्पनिक बता दें ईश्वर को। नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमारी आस्था ईश्वर के प्रति है और हम राजनीति नहीं करते हैं, ये भगवान के नाम पे धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। अच्छा ये कहना कांग्रेस का, ये कहना कांग्रेस का, पहले कह रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को, तो मैं कहता हूं कि सिख भी अल्पसंख्यक में आते हैं और जैन भी अल्पसंख्यक में आते हैं, क्या तो क्या पहला अधिकार उन्हीं का है, आप भी यही कह रहे हैं। उनको अधिकार क्या है, क्या ये चाहते हैं कि उनको अधिकार ना मिले? मतलब ये देखिए किसने कहा ना मिले, तो पहला अधिकार उन्हीं का है, आप कह रहे हैं भी आते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मुकेश जी, तो पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, ये भी कह रहे हैं आप? अरे मैं तो कह रहा हूं कि जैन और सिख भी आते हैं, इनको जानकारी होना चाहिए कि माइनॉरिटी में कौन कौन आता है। जी अच्छा, कोई नहीं मालूम है क्या आचार्य जी? और आप उधर जब जब राहुल जी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तब तब भारतीय जनता पार्टी अवश्य विचलित होती है, इनको लगता है कि यही एक धर्म के ठेकेदार थे। और आपको बता दें, इसे आप कह रहे थे गुजरात चुनाव, अभी हमारे गोस्वामी जी भी कह रहे थे, बगल में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बता दें उससे पहले तो आपको ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ेगा ना, कि आप एक तरफ इतना जनेऊधारी हैं, कांग्रेस कहती जने उधारी हिंदू हैं, फिर दूसरी तरफ आप कहें आप हिंदू आतंकवाद, तो ये भी पूछा जाएगा ना आपसे। देखिए आज आपको बता दें कि जिस तरह से ये लोग आरएसएस और भाजपा के लोग जिस तरह से लोगों को बांटने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, कांग्रेस सबको लेके चलने का काम करती है देश के अंदर, कांग्रेस चाहती भाईचारा बना रहे इस देश में, ये लोग तोड़ने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, कांग्रेस ने इस पे कभी राजनीति नहीं की है। ये जाति धर्म मजहब की बात करते हैं, जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा वो काम करेंगे, कांग्रेस सबको लेके चलने की बात करती है। आचार्य जी ये दरअसल जब सियासत की बात होती है तो बहुत खतरनाक बात होती है कि भगवान के नाम पर हर कोई सियासत कर रहा है, किसके मन में क्या है कोई कुछ नहीं जानता है। लेकिन अगर ये सिर्फ 2019 के लिए है तो भी आप इसे सही मानते हैं क्या? जो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि कांग्रेस की दिखने की कोशिश है, आप ये मानते हैं कि उसमें कामयाब होगी और जाना चाहिए सभी को भगवान के दर पर? ये कम से कम व्यवस्था में सुधार हुआ है, सोच में सुधार हुआ है? देखिए परिवर्तन तो बहुत बड़ा परिवर्तन ये दिखाई दे रहा है कि पहला चांस मैं देख रहा हूं, अक्सर जब भी चार लोग बैठते हैं किसी भी पार्टी के तो थोड़ी थोड़ी बातों पर बतंगड़ कर देते हैं, लड़ बैठते हैं, ऐसे लगता है जैसे मारा पिटी फौजदारी होने वाली है, अभी कुर्सी चलने वाली है, चाटा चलने वाले हैं। लेकिन पहला चांस देख रहा हूं आज, हम तो कहेंगे मानसरोवर हमारे भोलेनाथ जी महाराज की देन, कि आज हमारे बीजेपी वाले भी तो बात
ठीक कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस वाले भाई साहब भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कभी भी 1947 से लेकर जितने भी उसने एक्शन लिए, जितने भी उसने काम किए, सब हिंदुत्व के खिलाफ में किया। लेकिन यह परिवर्तन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, ये मोदी जी के नाते हम कहेंगे या योगी जी के नाते कहेंगे, ये परिवर्तन हो रहा है। आज चाहे सपा हो, जैसे हमारे भाई साहब गोस्वामी जी ने कहा अखिलेश यादव जी का, विश्व कॉलोनी बनाने की, विश्वपुरी बनाने की बात हो रही है, उनके मन में जो भावना है चंबल घाटी को वो चाहते हैं कि बहुत बड़ी हमारे विष्णु जी की काल। तात्पर्य कहना क्या चाहते हैं, हर पॉलिटिशियन व्यक्ति, हर व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति तात्कालिक परिस्थिति देख करके, क्योंकि पहले होता क्या था, एक व्यक्ति के खिलाफ पहले कांग्रेस एंड सारी पार्टियां होती थी, कांग्रेस के अलग होती थी सारी पार्टियां, कांग्रेस के खिलाफत में होती थी। आज वही स्थिति हुई है, आज बीजेपी के खिलाफत में सारी पार्टियां एक होकर के। आचार्य जी आप भी राजनीति वाली बातें करने लगे आचार्य जी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रमोद गोस्वामी जी हैं और उनसे ये सवाल लेंगे कि क्या राहुल गांधी को हिंदू दिखने का दबाव है। लौटना चाहिए 2019 से पहले राहुल मोदी की शिवभक्ति, जने उधारी राहुल की मानसरोवर यात्रा, मोदी की पिच पर राहुल की बैटिंग, भोलेनाथ किसका करेंगे बेड़ा पार। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, ब्रेक से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल हमने किया और वो ये था कि क्या राहुल गांधी को हिंदू दिखने का दबाव है, वो इसलिए क्योंकि अयोध्या 25 साल में कोई गांधी परिवार का नहीं गया, राहुल गांधी पहुंचे। गुजरात चुनाव से पहले वो मंदिरों में गए, राहुल गांधी वहां पहुंचे। इसके अलावा अमेठी में हमने देखा दुर्गा मंदिर में दुर्गा दर्शन किए, और जब किसान यात्रा निकाली थी तब भी वो लगभग 13 से 14 मंदिर पहुंचे थे। तो क्या ये दबाव है? निश्चित रूप से 2019 का चुनाव जी भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व की लड़ाई है। ये एक सबसे बड़ी बात यह है, ये अस्तित्व का संघर्ष भाजपा के लिए भी है, उसको हल्के ढंग से भाजपा को नहीं लेना चाहिए जो परिदृश्य बन रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो आज से स्वतंत्रता के बाद से पिछले 5 साल कह लीजिए, 4 साल कह लीजिए, मोदी जी के आने के बाद से पहले तक जो है जो दो वर्गों की राजनीति थी, तुष्टिकरण वर्सेस अदर, तो कम से कम इस चुनाव में 2019 के चुनाव को हार जीत किसी की भी हो, भोलेनाथ किसी पर कृपा करें या न करें ये तो एक अलग विषय होगा, कार्ड हिंदुत्व का ही रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये उपलब्धि, मैं निजी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक तुष्टिकरण की राजनीति को बल प्रदान होता था, कम से कम अब वो तुष्टिकरण की राजनीति इशू नहीं होगा, कम से कम हिंदुत्व एक इशू बनता जा रहा है, वो चाहे राम मंदिर के नाम पर बने, चाहे वो विष्णु जी की कॉलोनी और वहां मंदिर भव्य बने, या मानसरोवर के लिए राहुल जी जाएं या जनेऊ धारण करें। तो कम से कम एक सुखद बात यह है कि ये एक राजनीति, देश की राजनीति की शुरुआती से ही एक भाईचारे की तरफ, मैं उस सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं कि भाईचारे की तरफ आ रही है। अब जाति आधार पर या धर्म आधार पर या हिंदू मुस्लिम के आधार पर कम से कम उस राजनीति से राजनीतिक दल कहीं ना कहीं तौबा करने को मजबूर हो गए हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है, और इसमें देश की राजनीति या प्रदेश की राजनीति अगर बंटवारे के हिसाब से, कबीलों के हिसाब से होगी तो इस देश का भंटाडार होना आज नहीं तो कल निश्चित है। और जिस ढंग की राजनीति हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए किसी भी क्षेत्र में या किसी भी प्रदेश में या देश में उसके लिए सब समान होते हैं। यहाँ वोटों की राजनीति के लिए जो जातिगत आधार पर कि ये यादव है, ये बिल्कुल है, वो कम से कम उससे दूर हटेंगे। मुकेश सिंह चौहान जी, उससे ये संकेत मिल रहे हैं, और ये जो मानसरोवर यात्रा जो हो रही है ये इसको इस रूप में भी देखा जाए, और इसकी आलोचना नहीं, मैं समझता हूँ कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए जी। मुकेश जी जो आचार्य जी भी कह रहे हैं, और यूपीए 2 के दौरान सोनिया गांधी को कई नेताओं ने बताया था कि क्या, और खुद पूछा था सोनिया गांधी ने कि क्या हमारी छवि एंटी हिंदू हो रही है, क्या उसी का ये अगला स्टेप है छवि सुधारने की?
देखिए ऐसा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है और मुझे लगता है कि नहीं, मैं एंटी हिंदू छवि को लेकर सवाल पूछ रहा था, मैं सिर्फ इस यात्रा का नहीं, इस यात्रा पे कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ना राजनीति की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी एक धार्मिक यात्रा पर, राजनीति कहां, बीजेपी तो ये तक पूछ रही है कि आप बताइए किस किस से मिलेंगे। सुन तो लीजिए आप, उसके लिए इतना परेशान है भारतीय जनता पार्टी कि अगर राहुल गांधी जी मानसरोवर यात्रा पे गए हैं तो ये तो धार्मिक यात्रा है, ये क्यों परेशान है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुकेश, और ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। मुकेश जी आपको एक चीज कर, ये इसलिए परेशान है भारतीय जनता पार्टी के उस पर उनका अधिकार था, अब आप उस पर उनके अधिकार, ठेकेदार थे, ये ठेकेदार माने जाते थे और ये अपने आप को ठेकेदार समझते थे। आप नए ठेकेदार हैं क्या? आप नए ठेकेदार हैं? हमारा मानना है, देखिए हम दो तरह से बता रहे हैं आपको, जैसे हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं घर के अंदर, हम भी गीता और रामायण पढ़ते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं हम राजनीति नहीं, धर्म से राजनीति को नहीं जोड़ते। हमारा काम है हम बाहर निकले, मैं जिस पद पे हूं उसकी बात करेंगे, हम बाहर संविधान की बात करेंगे, लेकिन हम अगर पूजा पाठ करें घर के अंदर, इनका काम है, ये बाहर दिखावा करते हैं, ये दिखाने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, वो एक धार्मिक यात्रा पे हैं। इससे पहले वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए थे, उससे पहले, उसके बाद में गए थे सोमनाथ जी के दर्शन किए थे, लगातार वो हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों में गए। मैं वही तो आपको जानकारी भी दूं, मैंने क्यों परेशानी है, 25 साल तक गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या नहीं पहुंचा था भाई, राहुल गांधी अब पहुंचे उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले। मैं वही कह रहा हूँ, समझिए देवरिया से यात्रा शुरू करके और किसान यात्रा, मैं वही कह रहा हूँ, उससे पहले 25 साल तक कोई गया नहीं था। कम दो से तीन दर्जन मंदिरों में उन्होंने दर्शन किया, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किया, बजरंग बली जी का भी आशीर्वाद लिया उन्होंने, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का विचलित होना स्वाभाविक है। इनको लगता है कि हम जिस के ठेकेदार थे, ठेकेदारी छिन रही है, आप ये कह रहे हैं राकेश जी, आपकी ठेकेदारी छिन रही है। जाति धर्म मजहब पे राजनीति नहीं करती है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये कृत्य है, ये काम करने का, कि भगवान पे भी राजनीति करें और धर्म पे राजनीति करें, मजहब पे राजनीति करें। जी बोले राकेश जी, कह रहे हैं आपकी ठेकेदारी छिन रही है, इसलिए परेशान है। देखिए मुकेश जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि धर्म किसी भी व्यक्ति का नितांत निजी मसला होता है, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, कि जब जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो वहां से राजनीतिक हित साधने का काम करते हैं, और इस बार तो चाइना जाने से पहले ही जिस तरह से चाइना के एम्बेसी से ये मैसेज आया कि हम इनको सी ऑफ करने जाएंगे, तो ये राजनीति शुरू से ही दिखाई पड़ने लगी। अरे भाई आप कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जा रहे हैं, जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको, आप बिल्कुल ओम नमः शिवाय जपते हुए चले जाइए और दर्शन लाभ लेकर के, प्रसाद लेकर के लौटिए, कांग्रेस पार्टी को खड़ा करिए, क्योंकि निश्चित तौर पर भगवान के दर्शन से आपको लाभ मिलता है, प्रसाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आपके मन में केवल दर्शन लाभ नहीं है, आपके मन में वो सियासी लाभ है कि कैसे चाइना के लोगों के साथ हम ढके छुपे जाकर के मिलेंगे और जाने क्या क्या कौन सा है कि मन की बात जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है कि ये मन की बात जान लेते हैं लोगों की? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, एक प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करते हैं, हमारे मित्र बात कर रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड से बता रहे हैं, कैसे आप अभी लंदन गए हैं, कैसे आप बर्लिन गए हैं और वहां पर आपने क्या क्या कहा है, कैसे आप जो है चुपचाप गुपचुप तौर पर चीन के राजदूत के साथ मिलते हैं और गुपचुप मुलाकात को आप सार्वजनिक जब उसके फोटो हो जाते हैं तब आपको मजबूरी में स्वीकार करना पड़ता है, वरना आपकी पार्टी हमने मजबूरी में स्वीकार किया उसको, बकायदा क्या मिले, दीप सुरजेवाला जी मना कर रहे थे कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब प्रेस नोट जारी हुआ उसके लिए तब मजबूरी हो गई कि स्वीकार करना पड़ा। क्या कारण है कि राहुल जी ढक कर छुप कर चोरी छुपे राजदूत, वो तो नेपाल से भी शायद मुझे लगता है, आचार्य जी नेपाल से रास्ता है ना, वो सार्वजनिक सबसे मिलते हैं, आचार्य जी नेपाल से शायद वो रास्ता जाता है ना मुख्य, कैलाश मानसरोवर का, जी हाँ जी हाँ जी, वो रास्ता नहीं अपनाया राहुल गांधी ने, हिंदुस्तान वाला अल्मोड़ा के रास्ते से है, और जो दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण यात्रा जो 10-12 दिन के अंदर होती है वो नेपाल के द्वारा है। अच्छा जी, तो आचार्य जी भगवान बोले ना, आपसे बोलिए बोलिए बोलिए, एक बात जरूर कहूंगा कि मान सरोवर की यात्रा हो, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो या देश के किसी भी धार्मिक यात्रा की हो, धार्मिक यात्रा गोपनीय होते हैं,
ये प्रदर्शन की चीज नहीं होती है। हम धार्मिक यात्रा के जगह पर जाकर सबसे मिलते रहें, प्रदर्शन करते रहें, सबको प्रेस वार्ता करते रहें। धर्म की चीज वह चीज है कि मानसरोवर अगर समर्पित मन से कोई जाए तो हमें लग रहा है भगवान महादेव तो सब कुछ वैसे सौंप देंगे, लेकिन समर्पित जाए तो अगर नहीं जाते हैं तो प्रकृति दंडित करती है। इसे कहूंगा कि जो भी जाए समर्पित जाए, ठीक है जी। मतलब ये प्रचार नहीं करना चाहिए मुकेश जी? बिल्कुल। देखिए आपको बता दें, यात्रा पे गोपनीय मामला था। भारतीय जनता पार्टी जब अप्रैल में अनाउंसमेंट किया था एक रैली में उन्होंने कि मैं जाऊंगा, उसके बाद बीजेपी ने कई बार कहा कि अब नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे। तो हमारा मानना है, तो अनाउंसमेंट रैली में क्यों किया भाई? अगर ये इतना दुखनी मसला, अपना श्रद्धा का मसला, निजी मसला होता है तो मैं रामलीला मैदान से जन आक्रोश रैली में। डीजीसीए की रिपोर्ट भी आ गई, अभी डीजीसीए की रिपोर्ट आ गई। मैंने क्या कहा, जब अगर ये इतना ही निजी मसला, आस्था का मसला है, निजी मसला है, तो फिर रैली से क्यों अनाउंसमेंट करते हैं? देखिए क्या राजनीतिक मसला नहीं है क्या? सुन लीजिए आप हमारी बात तो सुन लीजिए। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपने मन की बात साझा की कि मेरे ऊपर ये ऐसी परेशानी आई। तब हमने भोले बाबा को याद किया और भोले बाबा ने मेरी जीवन की रक्षा की, और मैं जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके 10-12 दिन की छुट्टी लेकर मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाऊंगा। और एक प्रक्रिया है कि विदेश मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है, सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती, उसके बाद ही आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा सकते हैं। अभी मैं भी जाना चाह रहा था लेकिन मेरा पासपोर्ट नहीं बना था, तो मुझे किसी ने बताया कि नहीं जा सकते, तो मैंने भी पासपोर्ट अप्लाई किया। प्रमोद गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, भगवान भोलेनाथ भी दुविधा में होंगे कि किस भक्त को प्रसाद दें 19 में। बात आपकी बहुत, जो राजनीतिक रूप से जिस ढंग से धार्मिक यात्राओं का दौर शुरू हुआ है, तो ये बात तो है कि भगवान भी असमंजस में तो होंगे ही होंगे कि आखिर किसको आशीर्वाद दिया जाए। लेकिन ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप देखिए, मैं राजनीति के बदलते इस परिप्रेक्ष्य में राजनीति का जो बदलता स्वरूप है उस पर मैं समझता हूं कि बहुत एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आप जहां गैर भाजपा दल जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वो अब हिंदुत्व, इसलिए कह लीजिए कि मंदिर पर माथा टेकने के लिए विवश हो गए, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। वो चाहे सत्ता के लिए ही सही, उसका आधार कुछ भी हो, उसकी अंतःकरण की मंशा कुछ भी हो, तो वही भाजपा भी जो है, उधर भाजपा ने भी अपना वोट बैंक या सत्ता मजबूत पकड़ बनाने के लिए उसने जहां 3 तलाक और जो इनके इश्यूज हैं इनको जो टच करके जो उसकी दुखती रग है, कम से कम महिला वोट बैंक, मुसलमानों की जो महिलाएं वहां की त्रस्त हैं, परेशान हैं, उस पर जो दुखती रख पर हाथ रखा है, तो वो भी एक सकारात्मक है कि कम से कम अब हिंदू और मुस्लिम इस आधार पर राजनीति नहीं होगी। जो मंदिर में जाके पशुपतिनाथ जी के दर्शन करेगा और जो नवाज की व्यवस्था भी करेगा, अब इस देश में वो एक अच्छी राजनीति निकल रही है। और मैं समझता हूं कि वो एक अच्छी चीज है कि भाजपा मुसलमानों की भी चिंता कर रही है और गैर भाजपा दल जो है वो अब हिंदुत्व को भी स्वीकार कर रहे हैं, तो ये जो समन्वय है ये शायद राजनीति का एक सकारात्मक पक्ष है। आचार्य जी, आप राजनीतिक बातें कर रहे थे, मैं थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा सवाल ले लेता हूं। आप खुद कह रहे थे कि एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए अच्छा नहीं किया किसी ने, ये आप कह रहे थे, तो क्या मंदिर जाना इस तरीके से बड़ी आसानी होगी क्या जगह बनाना दिलों में कांग्रेस के लिए? नहीं, संभव नहीं है। हर व्यक्ति जो भी शिक्षित होगा वो मनन करेगा कि राहुल गांधी जी 45 वर्ष की एज में आज तक कभी किसी मंदिर नहीं गए, क्या 5 साल के अंदर उनके अंदर इतनी बड़ी भक्ति आ गई? क्या उनके अंदर किसी बड़े बड़े इष्ट की कृपा हो गई? क्या इतनी बड़ी सद्बुद्धि आ गई? आखिर किस कारण से गए? पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि उनका कोई प्रयोजन नहीं है धार्मिक भाव से। उनका एक प्रयोजन है हम हिंदू जनमानस को एहसास करा सके हम आपके हैं, हिंदुओं के वोट बैंक के निमित्त हो गए हुए हैं। हमारा प्रयोजन सिर्फ है कि जैसे भी हो आप क्या भक्ति जिस पर्पज से करें, जिस प्रयोजन से करें, अगर करते फल तो मिलता ही है, लेकिन सही कहा जाए तो भक्ति के प्रयोजन से न जाकर के वो हिंदुत्व के जो भावनाएं हैं
उसको भावनात्मक रूप से खेलने के प्रयोजन से गए हुए हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है धार्मिक भाव से। वो क्या जाने कि धर्म कर्म क्या होता है। चार साल के अंदर, पांच साल के अंदर, अभी जैसे आपने कहा 25 साल के अंदर कोई नहीं गया अयोध्या, तो क्या आज के डेट में क्या अचानक भक्ति आ गई? ये सिर्फ मोदी जी के नाते परिवर्तन हो रहा कि मोदी जी जा रहे हैं हमें भी जाना चाहिए, हम भी हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर सकते हैं। जनेऊधारी हो आप, कह रहे हैं धर्म क्रम क्या जाने, भाई जनेऊधारी तो जानता है। नहीं नहीं, जनेऊ लेकर बाजार में लेकर पहन लेने से जनेऊधारी नहीं हो जाता कोई व्यक्ति। क्या वो जिंदगी में कभी जनेऊ चढ़ाना जानते हैं कि क्या हमें चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? क्या बाथरूम जाते हुए कभी चढ़ाए? क्या कभी वो पहने रहे? वो तो वैसे ही कपड़े जब उतारते हैं जनेऊ को निकालकर टांग देते हैं, बल्कि फेंक देते हैं। जनेऊ कभी पहनवा नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ चंद लोग उनको पहनवा देते हैं और दिखाने के लिए। हकीकत में कभी जनेऊ का राहुल गांधी से संबंध रहा नहीं, ये दिखावा है आचार्य जी कह रहे हैं। देखिए आचार्य जी किस मंशा से कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन राहुल गांधी जी ने बता दिया कि हम धर्म के प्रति मानने वाले हैं और धर्म को हम लोग, एक ये व्यक्तिगत है, ये हम दिखावा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। आचार्य जी को भी मालूम होगा कि मंदिर हम लोग घर में पूजा करते हैं, हमारे घर में मंदिर है, लेकिन हम ड्रामा नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। और जैसा कि अभी कह रहे थे कि 50 सालों में, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेके चलने का काम किया है, किस कभी जाति धर्म मजहब कभी किसी को बांटने का काम नहीं किया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। और आचार्य जी इस तरह से कह रहे थे कि जनेऊ, अरे भाई पंडित नेहरू जी के खानदान से हैं, पंडित नेहरू जी, उन इंदिरा जी को ले लीजिए, राजीव जी को ले लीजिए आप, ऐसा नहीं है। इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले परिवार से हैं राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी कभी दिखावा नहीं करते। ये कांग्रेस के हमारे नेता के, ये ऐसा नहीं है कि मंदिर गए दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी की जो घृणित सोच है कि एक धार्मिक यात्रा को भी राजनीतिकरण करने की जिस तरह से पहल की है, भगवान शिव उनको जरूर दंडित करेंगे, ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। जी बोले राकेश जी। देखिए मेरी एक आशंका है और उसको लेकर के चिंता भी है कि कहीं राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर से लौट के आने के बाद कहीं ऐसा कोई वक्तव्य ना दे दे कि वहां भी मैंने कुछ लोगों को मंदिर में लड़कियों को छेड़ते हुए देखा। क्योंकि राहुल गांधी जी तो मंदिर में लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों को दिव्य दृष्टि से देख लिया करते हैं। हिंदू जनमानस के लिए जितनी अपमानजनक टिप्पणी गांधी परिवार ने हमेशा की है, कांग्रेस पार्टी ने की है, वो आज कितनी भी तीर्थाटन कर ले, ये बात सही है कि तीर्थों के दर्शन करने से पाप नाश हो जाता है, लेकिन इनके पापों का गठरी इतनी भारी है कि वो इन तीर्थाटनों से हल्की होने वाली नहीं है। हिंदू जनमानस इनका भरोसा करने वाला नहीं है, जिसने भगवान शिव के भी आराध्य रहे हैं भगवान राम, और भगवान राम का अपमान करने वाले, राम मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाने वाले, और अरे मंदिरों में सरकार है, आप क्यों नहीं बनवा देते हैं? आप क्यों नहीं देश ले आते हैं? आप क्यों नहीं ले आते हैं? राम मंदिर बनाने का अगर इनकी मंशा होती, अगर राम मंदिर बनाने की मंशा होती, मैं कह रहा हूँ, तो फिर बता रहा हूँ आपको, अध्यादेश लाते, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा ही नहीं बनता है। देश के लोग जान गए कि लोग छलावा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। राकेश जी को बोलने नहीं दीजिए, बोले राकेश। देखिए क्या है, थोड़ा सच कड़वा होता है, सच वाला सच बोलते ही थोड़ा सा रक्तचाप बढ़ जाता है। मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं, चाइना के प्रति जिस प्रकार का प्रेम राहुल गांधी जी का दिखाई पड़ा है गाहे बगाहे पिछले दिनों में, चाइना की जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, चाइना में बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहे हैं, चाइना ने बहुत प्रगति कर ली है, और चाइना के राजदूत के साथ छुप छुप करके मिलते हैं, और चाइना के रास्ते से कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, और चाइना के राजदूत का यह आग्रह करना, इस बात का निवेदन करना, अनुमति मांगना कि हम इनको सी ऑफ करने के लिए जाएं, ये सारी बातें एक बहुत आशंकाओं को बल दे रही हैं कि कहीं कोई चाइना के साथ दुर्भिसंधि करने का काम राहुल गांधी जी तो नहीं करने वाले हैं, यह भी आशंका है। लेकिन कैलाश मानसरोवर जाते समय अगर इस प्रकार के मन में मलिनता लेकर के जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, राजनीतिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। मैं निवेदन करूंगा जब कैलाश मानसरोवर जाएं तो मन निर्मल और पवित्र करके जाएं, कम से कम व्यक्तिगत तौर पर तो उनको लाभ हो। कांग्रेस पार्टी के तो किए गए पाप अभी हल्के होने वाले नहीं है, वो पुण्य में बदलने वाले नहीं है, उसके लिए तो अभी पीढ़ियों तक
क्योंकि पीढ़ियों से जो इन्होंने अब तक पाप किए हैं उसका पीढ़ियों तक ही भुगतान करना पड़ेगा जी। तो मुकेश जी, बीजेपी राम मंदिर नहीं बनवा पाई, आप बनवा दीजिए, मैनिफेस्टो में लिख दीजिए अब की बात। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे चीन की बात, प्रधानमंत्री आप बताइए एजेंडे के जाते वहाँ झूला झुलाते घूमते, मतलब आप बताइए जिस तरह से काम करते हैं और वहाँ से आते हैं, राहुल गांधी वहाँ जाने पर डोकलाम की कोई बात नहीं आती, जैसे वो हिंदुस्तान आते हैं आप जवाब दीजिए ना, राकेश जी कह रहे हैं आप इधर उधर, ये इनका एजेंडा है, ये इनकी विदेश नीति है, मंदिर जाने वाले लोग लड़की छेड़ते हैं, जाने पे राहुल गांधी नहीं, कभी नहीं दिया राहुल गांधी जी ने इस तरह की बात, कोई वक्त भी नहीं दिया इस तरह से, खारिज कर दीजिए, कुछ दिन बाद ये भी खारिज कर देगा कि राहुल जी तो कैलाश मानसरोवर गए ही नहीं थे, इनकी मंशा पाने के लिए विचलित नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी जी के मानसरोवर की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विचलित है, इनके नेता सुबह से लेकर उस शाम तक मीडिया के सामने आके वक्तव्य जारी कर रहे, मुझे इनकी परेशानी समझ में आती है और होना भी चाहिए, इनको लगता है कि ये बहुत बड़े ठेकेदार थे, ये लोगों को गुमराह करते थे, और राहुल गांधी जी एक आस्था लेके शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आपने भी ठेकेदारी ले ली क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए ये एक धार्मिक और यात्रा है, और अगर हम यात्रा पे जाते हैं तो हमारा केवल एक उद्देश्य होता है कि हम भगवान शिव माता पार्वती के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और हम अपने करोड़ों हिंदुस्तान के निवासियों के लिए आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं भगवान शिव से, माता पार्वती। मैं एक, एक एक बात केवल और जोड़ दूं, एक बात जल्दी से जोड़ दे रहा हूं, मैं देश की जनता से निवेदन कर रहा हूं कि आप राहुल गांधी जी को ऐसे ही आस्थावान देखते रहना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को संकट में डाले रहिए, वरना अगर ये सत्ता में आ गए तो इनको फिर तुरंत तुष्टीकरण याद आना शुरू हो जाएगा, ये संकट में जब तक रहेंगे तब तक इनको भगवान याद रहेंगे, इसलिए आपको संकट में लाने वाली है, और आप बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से और बीजेपी के मित्रों को, क्या आपको लग रहा है 2019 समय की कमी, प्रमोद जी से सवाल ले, जनता भारतीय जनता पार्टी को संकट में लाने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से, लोगों को बताना चाहता हूँ कि देश की जनता इस बार को आना दिखा देगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रुक जाइए चौहान साहब की बात कही थी, चौहान साहब रुक जाइए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, रुक जाइए, प्रमोद जी 15 लाख वाला भी बता दीजिए जी, प्रमोद जी क्या राहुल गांधी तो मोदी की पिच पर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला सवाल, या फिर आपको लगता है कि मोदी राजनीति के माहिर खिलाड़ी उनके सामने कब तक राहुल गांधी टिकेंगे, ये दूसरा सवाल। देखिए जहां तक जो आपने पहला सवाल किया कि क्या उनकी पिच पर, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अगर आप देखें 14 का इलेक्शन तो वो पूरी तरीके से एक अलग माहौल के साथ साथ हिंदुत्व कार्ड, बड़ा हिंदुत्व कार्ड था और जिसने सारे लोगों को धराशाही कर दिया, तो अब जो 2019 का है तो वो अब बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो मोदी जी का कार्ड था जिस आधार पर वो सत्ता में आए अब उसको डेंट किया जाए, या उसको दूसरे अर्थों में ये कह लीजिए कि अब जो है वो जो एक तुष्टीकरण की राजनीति है अब उससे किनारा कर लिया जाए, अब जो है इनको से पार पाने के लिए या इनसे निपटने के लिए हमको अपना वो कार्ड भी उनको ये जताना पड़ेगा इस देश के लोगों को नहीं खाली तुष्टीकरण ही नहीं, हम हिंदुत्व के भी उतने ही लंबरदार हैं जितने अन्य लोगों के हैं, जो मोदी जी ने जो अपना ये कार्ड खेला था और जो पिछले 70 वर्षों से जो राजनीति की दिशा बदल रही थी उसको बड़े लंबे प्रयासों के बाद मोदी जी ने ये राजनीतिक लोगों को एक लेसन देने का काम किया, इसको स्वीकार करना चाहिए हमारे विपक्षी दलों को कि वो तुष्टीकरण की राजनीति का फार्मूला वो आउटडेटेड हो गया जो 2014 में, अब उस आधार पर स्वाभाविक है कि अपनी बदलती परिस्थितियों में रणनीति भी विपक्ष बदल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस ढंग से सारे जो गठबंधन महागठबंधन बन रहा है और उसके ऊपर जो हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है, अगर आप उसको देखें तो जो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और जिसमें 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार उनको वापस करना एक बड़ी भारी चुनौती है, भागीरथी प्रयास करने पड़ेंगे, शायद
मतलब वो आसान चुनौती नहीं है। तो वहीं पर क्षेत्रीय दल भी, जो मैंने अभी कहा कि अखिलेश यादव जी ने ये बात कह के संकेत दिया कि हिंदुत्व की ठेकेदारी भाजपा की नहीं है, हम भी उसके ठेकेदार हैं। अगर आप उन शब्दों में लें जो हिंदुत्व की ठेकेदारी की जब बात आती है, तो ये भी अखिलेश जी ने भी क्षेत्रीय दलों पे भी संकेत दे दिया है। और उधर राहुल जी ने जिस ढंग से वो जनेऊ उन्होंने गुजरात के चुनाव में धारण करके ये बताने की कोशिश की कि मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म का पालन भी करता हूं, और ये जो आज यात्रा पर जा रहा है मानसरोवर की, ये सारे एक राजनीतिक परिपेक्ष में ही है, इससे इतर नहीं है, इसको नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इस देश की दशा और दिशा को बिगाड़ने का काम भी राजनीतिक लोगों ने किया है। ये अच्छी बात है प्रमोद जी, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं देश की राजनीति के लिए। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राकेश जी आपका हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए, और प्रमोद गोस्वामी जी लगातार हमारे साथ बने रहे, मुन्ना सिंह जी, मुकेश जी हमारे साथ, आचार्य उमाशंकर मिश्र जी। लेकिन एक तस्वीर ये है कि देश की राजनीति के लिए तो अच्छी है, लेकिन क्या धर्म के आधार पर इस तरीके की राजनीति होती रहेगी, ये देश के लिए खतरनाक है और इसे लोगों को सोचना होगा। नमस्कार।